हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फंक्शनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स देखने वाले हैं। अभी लास्ट स्लाइड जब हमने पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंसेस क्या थे, और साथ में हमने देखा था कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। हमने फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में देखा था कि उसमें इनपुट दिया जाता है, डेटा प्रोसेस होता है, और डेटा प्रोसेस होने के बाद उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आता है। फिर अगर हमें ज़रूरत है तो हम डेटा को स्टोर भी कर लेते हैं। अब आज हम लोग उसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, या उसके और क्या क्या फंक्शन होते हैं, या किस प्रकार से उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया जाता है, वो आज हम लोग देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। ये फंक्शनल डायग्राम है कंप्यूटर का। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल हमने केवल 3 बॉक्स देखे थे, आज उन्हीं 3 बॉक्स को हमने थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया है। अब सबसे पहला जो बॉक्स है वो इनपुट डिवाइस का ही होता है, जिसको हमने इनपुट यूनिट नाम दिया हुआ है। इसमें बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस होती है जो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट बॉक्स अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, आउटपुट यूनिट का बॉक्स है। इस बॉक्स में भी बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती है जो आगे आने वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग बीच वाले बॉक्स की बात करते हैं। बीच वाले बॉक्स में डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है। अपन ने कल जो फ्लो चार्ट देखा था उसमें 3 बॉक्स थे। पहले बॉक्स में था इनपुट, दूसरे बॉक्स में था प्रोसेस, और तीसरे बॉक्स में था आउटपुट। तो जो प्रोसेस वाला बॉक्स है, उस बॉक्स को अगर हम थोड़ा सा इंटरनली समझने की कोशिश करें तो उसे हम लोग कंप्यूटर का सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसको कंप्यूटर का दिमाग भी बोल सकते हैं। हम लोग जो कंप्यूटर के साथ जनरली एक बॉक्स देखते हैं, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में डब्बा बोल देते हैं कि ये कंप्यूटर का डब्बा है या ये कंप्यूटर का सीपीयू है, वो एक्चुअल में सीपीयू नहीं होता। जो बाहर का आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का होता है जनरली, वो जो बड़ा सा बॉक्स होता है उसको कैबिनेट कहा जाता है। तो अगर आप आईपी पढ़ रहे हैं, टेक्निकल स्टूडेंट हैं, या टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको टेक्निकल टर्म भी यूज़ करना आना चाहिए। उस बॉक्स को क्या कहा जाता है, उसे कैबिनेट कहा जाता है। ऊपर मॉनिटर होता है, मॉनिटर के साथ आपके कीबोर्ड और माउस कनेक्टेड होते हैं, और साथ में जो नीचे बॉक्स होता है जिसको आप लोग जनरली सीपीयू बोलते हैं, वो सीपीयू नहीं होता। सीपीयू एक चिप होती है, वो चिप के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो जो बॉक्स आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, वो जो बॉक्स है वो कैबिनेट कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग उस कैबिनेट के अंदर देखते हैं, या उस सीपीयू के अंदर देखते हैं कि क्या क्या होता है। सीपीयू जैसा मैंने आपको कहा एक प्रकार की चिप होती है, तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, और एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब सीपीयू के अंदर जो सिस्टम के साथ जो आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, या इसके जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जितने भी कंट्रोल होते हैं, वो सारे कंट्रोल कंट्रोल यूनिट के अंदर होते हैं। ये कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है। और इसके अलावा इसमें एक और पार्ट होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम होता है कि जितने कैलकुलेशन परफॉर्म करना, भले वो अर्थमेटिकल हो भले वो लॉजिकल हो, उन सभी को परफॉर्म करने का काम होता है एएलयू का। तो इस प्रकार से ये जो सीपीयू एक प्रकार की चिप की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम का ब्रेन कहलाती है। इसको हम लोग ब्रेन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आपका सिस्टम काम नहीं कर सकता। अब इसी सीपीयू से अलग एक और होती है प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी वो पार्ट होता है जिसमें करंटली आप लोग कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर आपने जैसे सिस्टम को ऑन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप प्राइमरी मेमोरी पे होते हैं, और जैसे ही उस पर आपने कोई फाइल बनाई और फाइल को आपने सेव कर दिया, तो वो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट उठकर कहाँ चली जाती है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, एक ऐसा स्टोरेज होता है जहाँ पे आप लोग डेटा परमानेंटली सेव कर सकते हैं, जबकि प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे आप करंटली स्टे करते हैं। आप वहाँ पे अपना काम परफॉर्म, अपना जो टास्क होता है वो परफॉर्म करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं, और जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है प्राइमरी मेमोरी वैकेंट हो जाती है। अगर इस बीच में लाइट चली गई तो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर जो भी डेटा होता है वो सब आपका ख़त्म हो जाता है। इसी कारण से आपको कहा जाता है कि जब भी आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं या अपना कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो उसको सेव करते जाइए, क्योंकि सेव करने से क्या होता है कि जितनी बार आप सेव करेंगे डेटा उतना उतना जाकर सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। हम लोग वैसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के भी कुछ टाइप होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के भी टाइप होते हैं। तो ये केवल एक फंक्शनल डायग्राम है
एग्जाम में पूछा जाता है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको इसी क्वेश्चन को, इस फंक्शनल डायग्राम को अच्छे से समझना है। और मैंने अभी तक जो नोटिस किया है बच्चों से, जब ये पूछा जाता है कि फंक्शनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बनाओ या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बनाओ, तो वो जनरली वैसा कंप्यूटर बना के आ जाते हैं जो स्कूलों में रखा हुआ होता है, या आपके घर पे जो कंप्यूटर रखा हुआ है, बच्चे उसको एज इट इज़ डायग्राम में बना के आ जाते हैं, जबकि वो गलत है। कभी भी अगर आपसे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है, तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना होता है, क्योंकि इस डायग्राम से हमें समझ में आता है कि क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या यहाँ पे सीपीयू है, क्या सीयू है, क्या एएलयू है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। इसमें करीब करीब पूरा कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन इस फंक्शनल डायग्राम में इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ अगर आप लाइंस देखें, तो कुछ डॉटेड लाइन है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, और कुछ कंटिन्यूस लाइन है जो फ्लो ऑफ डेटा है। तो अब फ्लो ऑफ डेटा और फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे जब हम लोग आगे की स्लाइड पर बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको ये लॉजिक समझ में आते जाएंगे कि कंट्रोल का फ्लो कैसे होता है और डेटा का फ्लो कैसे होता है। अभी आप लोग केवल इस ब्लॉक डायग्राम को याद रखिए, क्योंकि बार बार मैं आपको ये ब्लॉक डायग्राम बीच बीच में याद दिलाते जाऊँगा, क्योंकि जब हम इनपुट यूनिट पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको तब भी इसकी बात बताऊँगा कि यहाँ पे देखो इनपुट यूनिट थी और ये इससे कनेक्टेड था, या यहाँ पे आउटपुट यूनिट थी, ये इस पर्टिकुलर चीज़ों से कनेक्टेड था। तो आपको ये फंक्शनल डायग्राम थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द सिलेबस याद रखना है, क्योंकि इसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ, नीचे नोट भी लिखा है, ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अराउंड द सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीफेरल्स। आपने एक टर्म जरूर सुनी होगी जब आप लोग कहीं पर सिस्टम की दुकान पर, मतलब जहाँ कंप्यूटर मिलते हैं, ऐसी शॉप वगैरह पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपने पेरीफेरल्स नाम सुना होगा। और नहीं भी सुना है तो ये टेक्निकल टर्म है, आपको याद होना चाहिए कि जितनी भी डिवाइसेस होती है इन सभी को क्या कहा जाता है, पेरीफेरल्स कहा जाता है, जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो अगर कोई बोले कि कंप्यूटर का पेरीफेरल्स कौन कौन से, तो आपको उसमें समझ में आना चाहिए वो आपसे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है, ठीक है। और बाकी ये जो बीच में ब्लॉक में है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी आपकी कैबिनेट के अंदर होती है, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे फ्लो ऑफ कंट्रोल की। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल डेटा के फ्लो की और डेटा के फ्लो की, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको आगे आने वाली स्लाइड में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। अभी लास्ट स्लाइड में वापस मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये सीपीयू वाला जो बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, इस बड़े से बॉक्स के अंदर दो पार्ट है, एक सीयू का है, एक एएलयू का। तो पहले हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है। वैसे हमें इसकी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखना है, लेकिन हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, सीपीयू से, क्योंकि ये कंप्यूटर का ब्रेन है, तो इसके बारे में हमें डिटेल में पता होना ज़रूरी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीपीयू, और इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसा मैंने कहा था, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इट कंट्रोल्स एंड गाइड्स कनेक्टेड डिवाइसेस। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू मेजर पार्ट्स। यहाँ पर दो मेजर पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट जो हमने देखा सीयू, और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड हैं उनके ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। जितना भी डेटा फ्लो हो रहा है, कंट्रोल फ्लो हो रहा है, उसको गाइड करने का काम करता है। तो ये काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, मतलब सीयू। और उसके बाद होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उन सबको परफॉर्म करने का काम कौन करता है, एएलयू करता है। ये देखिए, मैंने अभी कहा था कि जो सीपीयू होता है वो एक्चुअल में चिप होती है। ये देखिए इंटेल की चिप है, इस चिप के अंदर, इसी को सीपीयू कहा जाता है। आप लोग जो बॉक्स देखते हैं वो सीपीयू नहीं होता, सीपीयू एक्चुअल में ये होता है, छोटी सी एक चिप होती है, ये आपकी हथेली में आ जाएगी, इतनी छोटी होती है। बहुत सीयू एंड एएलयू आर डिज़ाइन इन अ सिंगल सर्किट नोन एज माइक्रो प्रोसेसर इन पीसी। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इंटेल इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप। सम फेमस सीरीज ऑफ द इंटेल प्रोसेसर्स आर पेंटियम, सेलरॉन, जियॉन, कोर टू डिओ, ड्वेल कोर, i1, i2, i3, i4, i5, i7, i8, i9। ये सब के सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग टाइप हैं। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो i9 और i7 चल रहा है, और मैं अभी आपको जिस सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ वो i3 है। और यहाँ पे जो चिप आपको सामने रखी गई है ये कोर i7 है, ठीक है।
तो एक्चुअल में ये माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग जनरेशन है और अलग अलग टाइप है जो आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। तो आपको इतना समझ में ज़रूर आया होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, उसके दो पार्ट कौन से होते हैं और उन दोनों पार्ट के काम क्या होते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमेशा एक चिप के फॉर्म में होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो आज की स्लाइड में हमने क्या देखा, आज की स्लाइड में हमने देखा कि एक तो फंक्शनल डायग्राम क्या होता है और साथ में सीपीयू के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश की। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें हम लोग मेमोरी के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से मेमोरी को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।